उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर दलित वोट बैंक को समेटने के लिए बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य एक दिन के प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कार्यकाल कांग्रेस का रहा, इसके बावजूद ना तो देश के गरीबों की हालत सुधार पाए और ना ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में पहली बार 14 अनुसूचित जाति के केंद्रीय मंत्री बने और देश की प्रथम नागरिक के रूप में मोदी सरकार ने एक आदिवासी महिला के नाम को आगे किया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसने भी एक नहीं कई निर्णय लिए हैं। स्वाभाविक है, मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते, SC वर्ग से आने होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है तो साधुवाद मिलना ही चाहिए। गरीब परिवारों को 3 रसोई गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध यहाँ कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में बच्चों को किट उपलब्ध कराई जा रही है। 60 लाख से अधिक यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, कठोर धर्मांतरण कानून भी यहाँ लागू हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उल्लेख किया था कि धर्मांतरण जबरिया या प्रलोभन से नहीं किया जाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का पालन भी यहाँ उत्तराखंड की सरकार द्वारा किया जा रहा है।